मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? ठीक चल रही है ना? साथ साथ आप लर्न कर रहे हो ना? तो चलो आज हम चैप्टर 4 ईटिंग टुगेदर का रिवीजन करेंगे। ईटिंग टुगेदर, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है चैप्टर के, ईट यानी साथ में, टुगेदर मतलब साथ में खाना खाना। अब आप साथ में कब कब खाना खाते हो? आप अपनी फैमिली के साथ डिनर लंच साथ करते हो ना? जब साथ बैठते हो तो बेटा कई एक्सपीरियंस आपस में हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, कई बातें हम एक दूसरे से करते हैं, क्योंकि ये हमारे मिलने का एक सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसलिए जो भी आपके साथ होता है अपने मम्मी पापा को शेयर किया करो, और पापा भी आपको या मम्मी भी दिन भर आपस में आपको बताती है कि आज मैंने ये किया, ऐसे करना चाहिए, है ना? तो ईटिंग टुगेदर का बेटा यह सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा, हम कई स्पेशल ओकेजन्स पर भी साथ साथ खाना खाते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी होती है, आपका फेस्टिवल होता है, और भी कई ओकेजन होते हैं जिनमें हम अपने रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, और ये जो ओकेजन्स होते हैं वो हमें साथ में खाने का जो अवसर देते हैं, उसमें हम हमारे रिलेटिव से मिलते हैं, हमारी जो अपने एक्सपीरियंस है, भावनाएं हैं, उनको हम आपस में व्यक्त करते हैं, जिससे हमारे बॉन्ड अच्छे बनते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर हम स्पेशल फूड बनाते हैं, जैसे कि गुजिया हम होली पर बनाते हैं, पोंगल पर स्पेशल राइस बनता है, और ईद पर स्पेशल सेवइयां बनते हैं। तो कुछ डिश से भी हम स्पेशल फेस्टिवल को मानते हैं, है ना? और हमें उस डिश से उस फेस्टिवल की याद आ जाती है ना बेटा? इसके साथ ही टुगेदर इन कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब हमारे समाज में भी कई ऐसे काम होते हैं, जैसे भंडारा होता है बेटा, गुरुद्वारा में लंगर होता है, और हम मिलकर वहाँ पर खाना खाते हैं। लंगर बेटा, लंगर घर में ऐसे बड़े से हॉल में एक साथ बैठते हैं और सब प्रसाद पाते हैं। इसके अलावा हम ईटिंग टुगेदर इन स्कूल के अंदर भी एक मिड डे मील, एक योजना है जिसमें गवर्नमेंट जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना प्रोवाइड कराती है। मिड डे मील में वो बच्चे जो जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, और वो अपना पढ़ने वाला समय अपने काम में लगा देते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में बुलाया जाता है स्पेशली, और ताकि वो एक टाइम तो कम से कम भर पेट खाना खाएं और उन्हें अच्छा खाना मिले, उनका ग्रोथ हो और उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो मिड डे मील के अंतर्गत बेटा स्पेशल खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें पूरे वीकली एक शेड्यूल होता है कि किस टाइम क्या क्या इनको दिया जाएगा, तो इनको स्पेशल दाल रोटी चावल सब कुछ दिया जाता है। साथ ही में जो त्यौहार वगैरह होते हैं उस दिन भी इन्हें स्पेशल खाना मिलता है। ईटिंग टुगेदर में जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, बोर्डिंग स्कूल कौन होते हैं? स्कूल वेयर द स्टूडेंट स्टडी एंड लीव टुगेदर, है ना, जहाँ बच्चे रहते भी हैं और साथ में पढ़ते भी हैं, ऐसे स्कूल को हम बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। यहाँ बेटा हॉस्टल मेस होता है जिसमें बच्चे इस तरह से एक साथ खाना खाते हैं। जब खाना खाएंगे तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, साथ ही ये अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ईटिंग टुगेदर इन ड्यूरिंग द स्कूल लंच के टाइम भी बेटा हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, अपने खाने को शेयर करते हैं, कुछ उनका हम खाते हैं और कुछ खिलाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो इससे करने से बेटा जो फ्रेंडशिप बहुत ही आपकी बेस्ट होती है और आप एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है? चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर। द फूड सर्व्ड इन गवर्नमेंट रन स्कूल ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड मील। तो कौन सा मील होता है? मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, मिड डे मील, है ना? नेक्स्ट है 2, स्कूल वेयर स्टूडेंट स्टडी एंड लीव आर कॉल्ड। जहाँ वो जगह जहाँ पर वो स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं उसको कौन सा स्कूल कहते हैं? डे लॉन्ग बोर्डिंग। कौन सा कहते हैं बेटा? बोर्डिंग स्कूल। 3, वी कैन गेट लंगर प्रसाद इन। आपको लंगर प्रसाद कहाँ मिलता है? गुरुद्वारा, चर्च या हॉस्पिटल। कहाँ मिलता है? गुरुद्वारा। 4, फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट वी शेयर आवर एक्सपीरियंस थॉट एंड डैश विद आवर फैमिली मेम्बर्स. क्या आइडिया, हमारे थॉट और हमारे आइडिया हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं. सेकेंड, ईटिंग टुगेदर क्रिएट ए बॉन्ड ऑफ डैश अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो किस तरह का बॉन्ड होता है, वननेस का, ठीक है, आपस में संगठन का, एक साथ का. थर्ड, लंगर इज प्रिपेयर्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी इन कॉमन किचन. जहाँ पर लंगर बनाया जाता है उस जगह को कॉमन किचन कहा जाता है. फोर्थ, बोर्डिंग स्कूल हैज़ ए लार्ज डाइनिंग हॉल कॉल्ड हॉस्टल मेस. सी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द फूड सर्व्ड इन गुरुद्वारा. जो गुरुद्वारा में खाना सर्व किया जाता है उसे क्या कहते हैं. तो द फूड सर्व इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर प्रसाद. सेकेंड, नेम टू ओकेजन वेयर वी ईट टुगेदर इन लार्ज ग्रुप. बर्थडे एंड वेडिंग, इन दोनों में बेटा हम लार्ज ग्रुप में खाना खाते हैं, ठीक है बेटा. तो चलिए आज हमने रिवीजन कर लिया, बाद में जो ये क्वेश्चन है इनको भी आप रिवाइज करना. आशा करती हूँ आज मेरे साथ साथ लर्न करते जा रहे हो आप. जय हिंद.